बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कमेंट करते हैं कि और ऐसा ध्यान में रखते हैं कि इतनी कम मार्क्स में MBBS सीट हमको मिलता है। वो क्या होता है, नियरली 113 इज़ द पासिंग मार्क्स, राइट। बट कुछ बच्चों कैसे समझते हैं कि इवन बाय हैविंग 200 और 300 और समय 400 मार्क्स इन नीट वी कैन गेट अ सीट। सो दिस इज़ नॉट इन द केस। एटलीस्ट इफ यू नीड टू हैव एटलीस्ट मीन्स 500 स्कोर। इफ़ यू हैव 500 स्कोर देन यू आर यू कैन जस्ट ट्राई इन द राउंड टू सेक्शंस। ओके, इफ़ यू हैव नियरली अबाउट 575 मार्क्स देन यू आर गारंटी यू कैन हैव अ गुड सीट इन MCC काउंसलिंग, इट मे बी एम्स और इन मे बी एनी अदर स्टेट्स। ओके, नो वरी, बट प्लीज माइंड दैट मेनी यू नो द डाउट्स विल बी लाइक कैन बाय द NTA विल से दैट यू कैन गो टू द काउंसलिंग, बट द थिंग इज दैट बट द यू नो द कट ऑफ ऑफ द डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज द कट ऑफ विल बी बेस्ड। सो इफ यू हैव समवेयर अबाउट 200-300 रैंक देन यू आई रिकमेंड यू दैट डोंट गो फॉर काउंसलिंग। ओके, इफ नॉट यू कैन गिव यू नो जस्ट यू कैन हैव अ ट्रायल बिकॉज आई थॉट लाइक इन MCC काउंसलिंग दे विल टेक समवेयर 10,000 रुपीज बिकॉज सिक्योरिटी फी, बट why I'm saying because 200-300 you are not able to get a seat. Okay, if you need to at least have 500 above marks so that you can get a good career and a good opportunity in MBBS seat. So with that said, it's a new channel for NEET students and I'll be uploading the NEET information and how to score a very good marks in NEET in a smart way. So with that said, so please subscribe to my channel, NEET channel it is. So thank you.